नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के नंबर वन स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में। तो देखिए, स्टील मैन्युफैक्चरिंग जितने सारे कंपनीज हैं, तो स्टील और मेटल इंडस्ट्रीज में बिलोंग करने वाला जितने सारे कंपनीज हैं, तो देखा जाए तो इंडिया के नंबर वन जो कंपनी है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। तो जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी के जो डिविडेंड आने वाला है तो वो डिविडेंड डेट कौन सा रहेगा, मतलब उसका एक्सडेट कौन सा रहेगा, और कौन सा इसका प्राइस है, मतलब डिविडेंड कितना देने वाला है, तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के दीजिएगा। तो चलो आज मैं उसी के ऊपर बात करूंगा। तो जितने सारे दोस्त इस स्टॉक के ऊपर इन्वेस्ट करके रखे हैं तो उसके लिए गुड न्यूज है, और जितने सारे दोस्त नहीं भी अभी तक निवेश करके रखे हैं तो उसके लिए इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस कंपनी ने फर्स्ट टाइम इतना बड़ा डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया। तो चलो मैं आज आपको दिखाऊंगा कौन सा वो डिविडेंड है, कौन सा वो प्राइस रेंज है, पूरा के पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको मिलने वाला है। वीडियो को पूरा देखिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, जाकर फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मुझे अच्छे से अच्छे कंपनी के बारे में जानकारी देने के लिए मजबूर करेगा। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। देखिए, हमेशा मैं चार्ट पैटर्न से देखकर आपको स्टार्ट क्यों करता हूँ, क्योंकि देखिए चार्ट पैटर्न देखकर आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि एक्चुअली कंपनी कौन सा पोजीशन में है, और कंपनी का प्रीवियस क्या डेटा डेटा था, और अभी कंपनी किस बेसिस से काम कर रहा है। देखिए, चार्ट पैटर्न आपको ये देखना है कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो अभी क्या चल रहा है। तो देखिए, बहुत सारे दोस्त कमेंट करेंगे, सर यहाँ पे जो लेवल था कंपनी अराउंड 1808 इस लेवल में था, उसके बाद कंपनी यहाँ पे क्रैश हुआ, इस क्रैश के पीछे लॉजिक क्या कौन सा था। देखिए, यहाँ पे कोई क्रैश नहीं हुआ, कंपनी ने स्प्लिट और बोनस का अनाउंसमेंट किया था, तो इसीलिए कंपनी का यहाँ पे एक मतलब प्राइस एडजस्टमेंट देखने को मिला। उसके बाद बहुत दिनों तक कंपनी एक साइड बेसिस में चला, उसके बाद यहाँ पे लॉकडाउन आया, उसके बाद जो रॉकेट के तरह तेजी पकड़ा, क्योंकि जो कंपनी का प्राइस अराउंड 150 रुपया था, वो कंपनी लॉकडाउन के पीरियड के बाद 750 तक गया था, 750+ तक गया था। तो 150 का शेयर 750 तक जाना, आप सोच लीजिए आपका फंड का अराउंड अराउंड 5 गुना हो गया। तो आप इस तरीके से सोचकर ही लोग ज्यादातर निवेश कर देते हैं, इस डेटा को देखकर ही लोग निवेश कर देते हैं। तो मैं आपको चार्ट पैटर्न इसीलिए दिखाने के लिए आया कि आपको एक अंदाजा मिले कि एक्चुअली कंपनी ने पिछले मतलब जो ईयर था, पिछले जो साल था, जो कुछ 2010, 12, 13 इस पीरियड में कंपनी किस बेसिस से काम किया। चलो आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, देखिए कभी भी तेजी आया उसके बाद गिरावट, फिर से देखिए कभी तेजी आया फिर से गिरावट, मतलब यहाँ पे तो गिरावट नहीं, चलो यहाँ पे तो एडजस्टमेंट हुआ है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस इसी बेसिस से हो रहा है, सेम टू सेम अभी जो सीनारियो है सेम टू सेम हो रहा है। देखिए किस तरीके से रॉकेट की तरह भागा है, उसके बाद बहुत दिनों तक एक साइड बेसिस पैटर्न में एक ही लेवल में काम किया, एक ही लेवल में काम किया, उसके बाद उस लेवल को ब्रेकआउट किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपको मूविंग एवरेज दिख रहा है वो 200 डेज का मूविंग एवरेज है। तो 200 डेज का मूविंग एवरेज अगर तोड़ते हैं, कोई भी स्टॉक तोड़ते हैं, तो उसको एक नेगेटिव फॉलिंग तरीके से देखा जाता है कि उस लेवल को तोड़ दिया, मतलब स्टॉक में एक गिरावट होने का चांसेस है। देखिए, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो गिरेगा ही, ऐसे बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि ये एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर हमेशा बताता है कि स्टॉक को इंडिकेट करते हैं कि स्टॉक कौन सा दिशा में जाएगा और कौन सा बेसिस में वो जा सकते हैं, मगर वो कितना दूर तक जाएगा, कितना गिरेगा, इसका कोई मतलब अता पता कभी भी नहीं होते। क्योंकि देखिए, पहले भी आप कहेंगे सर यहाँ पे भी तो 200 डेज ईएमए तोड़ा था, फिर भी स्टॉक ने रिकवरी तो किया, और उसके बाद पिछले जो हाई था उसी लेवल तक गया था और उसको ब्रेक भी करने का कोशिश किया, फिर से स्टॉक में गिरावट हुआ, इसके पीछे लॉजिक कौन सा है। देखिए, स्टॉक में जो अभी जो रिकवरी हो रहा है, आप सभी जानते हैं मार्केट का जो सिनेरियो है, इंडियन मार्केट का जो सिनेरियो है, साथ ही साथ ग्लोबली जो इम्पैक्ट है, इस दोनों के कारण स्टॉक में तो हर कंपनी के ऊपर गिरावट हो रहा है। फिर भी स्टील इंडस्ट्रीज गिरने के पीछे और दो कारण है, एक है गवर्नमेंट ने जो मतलब जितने सारे एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसको बढ़ा दिया, दूसरी बात चाइना में जो स्टील इंडस्ट्रीज के ऊपर जो इम्पैक्ट, ग्लोबली जो इम्पैक्ट देखने को मिला, उसके कारण भी स्टील इंडस्ट्रीज इतने ज्यादा पिटे हुए हैं। तो क्या अभी इस अपॉर्चुनिटी को फायदा के हिसाब से देखा जाए, क्या इस कंपनी से निवेश मत करना चाहिए, क्या इस कंपनी में निवेश करके रखे है
तो क्या निकल जाना चाहिए? देखिए चलो इस सारे बात को मैं क्लियर करूंगा, तो उससे पहले कंपनी ने जो गुड न्यूज दिया उसके ऊपर बात कर लेता हूँ, क्योंकि इस गुड न्यूज मुझे मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छा खासा एक डिविडेंड अनाउंसमेंट किया और बहुत दिनों के बाद इतना शानदार डिविडेंड देने का फैसला किया, तो चलो उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। तो कंपनी के जो डिटेल्स है आप देखेंगे तो कंपनी देखिए पहले तो बहुत बड़ा डिविडेंड है, साल भर में एक एक बार के बार करके कंपनी डिविडेंड देते रहते हैं, तो अराउंड 3.5 रुपया, 4 रुपया, 2 रुपया, 6.5 रुपया, पर इस बार कंपनी तो सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। फाइनल जो डिविडेंड देने वाला है वो अराउंड 17.35 रुपीज का, तो एक बहुत शानदार डिविडेंड देने वाला है। तो इतना शानदार डिविडेंड मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा डिविडेंड यहाँ पे माना जाएगा, क्योंकि देखिए कंपनी 17.5 रुपये का डिविडेंड, तो अराउंड 17.35 रुपीज का डिविडेंड, मतलब आपको पार शेयर में मान के चलिए 17 रुपीज का डिविडेंड मिला है, मान के चलिए आपके पास 1,000 शेयर है इस कंपनी का, तो आप कितना आपको डिविडेंड मिलेगा आप समझ लीजिए, अराउंड अराउंड आप 17,000 का आपका डिविडेंड मिलने वाला है। तो इतना तकड़ा डिविडेंड आपको कंपनी देने वाला है, तो इसके बारे में सोचिए। देखिए डिविडेंड आपको चाहिए, कोई भी कंपनी का डिविडेंड चाहिए तो उसको एक्स डेट से पहले, 2 दिन पहले, मैं जरूर कहूंगा 2 दिन 3 दिन पहले आप शेयर खरीदारी कर लेना, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ने मुझे कमेंट किया, सर मैं तो शेयर को खरीदारी किया मगर मुझे डिविडेंड क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो डिविडेंड के दिन ही शेयर खरीदारी कर रहे थे। डिविडेंड के दिन और उसके अगले दिन आप शेयर खरीदारी करेंगे तो आपको डिविडेंड मिलने का चांसेस ना के बराबर होगा, मगर आप अगर 2 दिन पहले कोई भी कंपनी का शेयर खरीदारी कर ले, अगर वो डिविडेंड देने वाले है तो आपको डिविडेंड जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे कंपनी का जो एक्स डेट है वो 4 जुलाई है, इसका मतलब आपको 2 दिन पहले इस कंपनी का डिविडेंड को आपको लेने के लिए जरूर यहाँ पे खरीदारी करना होगा, जो आप डिविडेंड लेना चाहते हैं, और जो जितने सारे दोस्त इन्वेस्ट करके रखे हैं तो वो तो डिविडेंड मिलेगा ही। तो चलो कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए, कंपनी के ऊपर क्या लॉन्ग टर्म पीरियड में रहना चाहिए उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। तो देखिए कंपनी के एक इन्फॉर्मेशन आपको जरूर कहूंगा, कंपनी के जो कॉम्पिटिटर है उनमें से कंपनी नंबर 1 पोजिशन में है, और नंबर 1 पोजिशन में जो अभी कंपनी बहुत टाइम पीरियड में रहा है, अभी इसका टक्कर देने के लिए टाटा स्टील आ गया है, तो टाटा स्टील सेम टू सेम परफॉर्मेंस कर रहा है, इसका मार्केट कैप 1,10,000 है, और जेएसडब्ल्यू स्टील का मार्केट कैप 1,30,000, आप 35,000 बोल सकते हैं, तो इसका मतलब दोनों कंपनी के ऊपर टक्कर चल रहा है। तो दोनों कंपनी के ऊपर बेस्ट कंपनी कौन होगा वो तो आपको परफॉर्मेंस देखकर ही पता चलेगा, मगर मेरे हिसाब से जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे कंपनी के ऊपर 1% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है, इसका मतलब कंपनी का कर्जा ज्यादा है। तो कितना कर्जा है चलो देख लेता हूँ कंपनी का। देखिए मैं एक चीज आपको बता के आया हूँ, अगर कंपनी का एनुअली इनकम 20,000 करोड़ है और इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी 72,000 करोड़ है, इसका मतलब अब एनुअली इनकम मतलब जो डेप्थ है वो ज्यादा है, मतलब इसका ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए था, मगर इसका डेप्थ इसका एनुअली इनकम से कम होना चाहिए था। हाँ कंपनी डेप्थ जरूर लेगा, मुझे मैं जरूर मानता हूँ, ज्यादातर मतलब 100 कंपनी से आप चेक करेंगे तो इनमें से आपको 95-92 कंपनीज आपको मिल जाएगा जो डेप्थ लेकर ही काम कर रहा है। हाँ इस 92 में बहुत सारे कंपनीज रहेगा जो एनुअली इनकम के बेसिस से कंपनी का डेप्थ कम है, तो मेरे कहने का मतलब है जो कंपनी का एनुअली इनकम के बेसिस से डेप्थ ज्यादा है तो वो कंपनी में थोड़ा सा वीक पॉइंट आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो फिर भी देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है मुझे बहुत शानदार लगता है, क्योंकि कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत शानदार है। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, अगर कंपनी का डेप्थ है और वो भी ज्यादा है तो आप इस कंपनी को कंपेरिजन करेंगे रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के हिसाब से, कभी भी रिटर्न ऑफ इक्विटी को मत देखिएगा, क्योंकि जब डेप्थ होते हैं तो उसका एडजस्टमेंट रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड में जाते हैं। तो इसका एक फार्मूला है, उस फार्मूला को आपको मैं डिस्कस करूंगा, अगर मुझे ज्यादातर ज्यादा से ज्यादातर लोग कमेंट करेंगे तो मैं उसके ऊपर अलग से आपको वीडियो बना के दूंगा। तो देखिए तो यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 1,34,000 है, और कंपनी के हाथ में कैश भी देखिए अराउंड 16,000 करोड़ का कैश भी है, अच्छी बात है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 85 रुपीज है। तो कंपनी का जो सबसे मुझे अच्छी चीज लगा वो है कंपनी का डेट ऑफ स्टे, इसका मतलब कंपनी जितना जल्द से जल्द हो चुके मार्केट से पैसा खुद के पास, मतलब बिजनेस करने के बाद पैसा कंपनी के हाथ में आ रहा है, ये सबसे बड़ी पॉइंट्स होते हैं कोई भी कंपनी के लिए। इन्वेंटरी डे 208 डेज है, तो इसका मतलब कंपनी के जो जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, कंपनी जो मटेरियल्स बना रहा है उसको बनाने के लिए टाइम पीरियड लग रहा है 288 डेज, तो बहुत ज्यादा टाइम पीरियड मुझे मेरे हिसाब से लग रहा है, जितना कम टाइम पीरियड लगेगा उतना ही कंपनी के लिए खास है।
तो ये था कंपनी के इन्फॉर्मेशन। आप कंपनी के बाकी डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं, कंपनी का हर साल में कंपनी ने प्रॉफिट मेंटेन किया। आप कहेंगे सर कंपनी तो 2016 में लॉस किया, हाँ छोटा मोटा लॉस किया था मगर उतना ज्यादा लॉस नहीं। कंपनी का प्रॉफिट रेशियो देखेंगे तो ये लॉस मामूली सा है। तो कंपनी ने आपको रिटर्न भी शानदार दिया सिर्फ इसी साल में अराउंड 17% कंपनी अभी अभी आपको लॉसेस दे रहा है। तो आपको मैं जरूर कहूंगा आपको एक बिग अपॉर्चुनिटी दे रहा है, अच्छा खासा कंपनी के शेयर आपको सस्ते दामों में खरीदने के लिए। बाकी एक बार आप स्टडी करना उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना, क्योंकि कंपनी के ऊपर किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले मैं जरूर बोलता हूँ कंपनी के ऊपर एक बार स्टडी तो जरूर करना और कंपनी के ऊपर डिटेल्स चेकआउट ना करके आप कोई भी कंपनी के शेयर मत खरीदारी करना। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करना और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।